हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। तो आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर, हम लोग लॉ की तैयारी इस वक्त में कर रहे हैं, एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं, वेदर फाउंडेशन वाले हों, इंटर वाले हों या फिर फाइनल वाले हों, तो सर लॉ का पेपर आखिर हमको कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमको अच्छे मार्क्स मिल जाए, और हमने जितनी जबरदस्त तैयारी करी है उसके हिसाब से वहां हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत जबरदस्त हो जाए। तो देखिए, शुरू से आप लोगों को मैंने बोला है कि लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो यही है कि आप अपने आंसर को आखिर प्रेजेंट कैसे करते हो, वहां पे पेपर किस तरीके से करते हो। तो आइए आज हम लोग बहुत फटाफट से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर आपको अपना पेपर वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग सब जानते हो बच्चे लोगों कि लॉ का जो पेपर है वो एक कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, प्रैक्टिकल यानी कि केस स्टडीज भी हमारे पास में रहेंगी, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, एमसीक्यू का पार्ट तो चलो अलग हुआ ही, उसके अलावा ये सारी चीजें हमारे पेपर के अंदर कॉम्बिनेशन रहने वाला है, हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस को करने का क्या पैटर्न रहेगा, क्या तरीका होता है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर्स आप वहां पे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको अपने आंसर्स को बहुत ही नीटली और ऐसे लिखने हैं कि सामने वाला यानी जो कॉपी चेकर है वो बहुत आराम से आपके आंसर्स को रीड आउट कर सके, आपके आंसर्स को पढ़ सके, है ना। आप लोगों को, आप लोगों की जब कॉपीज आती है, स्टडी बाय कॉपी हमारे पास चेक करने के लिए भेजते हैं और उसको चेक करते हैं, तो अक्सर मार्क्स कटने का बड़ा रीजन ये है कि कॉपी जो है वो उतना नीट नहीं होता है ना, जबकि आईसीए के इंस्ट्रक्शंस आपको रहते हैं कि भी आपका कॉपी नीट होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे गलत हो गया तो उसको प्रॉपर तरीके से कट करिए, नहीं तो हर आंसर पे आप एक लाइन कट कर रहे हो, फिर कुछ लिख रहे हो, फिर कुछ आगे का वर्ड कट कर रहे हो, तो इतना ज्यादा अगर आप काट छाट कर देंगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि आपने आंसर्स में क्या लिखा है, और अननेसेसरी में हमारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, इतना अच्छा कुछ आते हुए भी मार्क्स कटेंगे। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जहां तक हो सके कॉपी आपकी जो है वो उसमें काट छाट नहीं होना चाहिए, कुछ कट किया लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लीन कॉपी रखिए, नीट कॉपी होना चाहिए, पर ऐसा लिखा होना चाहिए जो अच्छे से पढ़ने में आ जाए। ठीक है, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द आंसर, सर पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना। तो भाई, यू कैन चूज एनी क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, जो आपको अच्छे से आता हो आप पहले चूज करो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि एक ही क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, डू ऑल दी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चंस टुगेदर, है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। सपोज करिए कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठा लिया है, तो आपको क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, है ना, जनरली हम लोग पेपर के सेंटर के अंदर क्वेश्चन नंबर क्लियर करते हैं, आप मार्जिन में भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अदरवाइज सेंटर में। फिर जब आप इस क्वेश्चन को एंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन सेकंड का ही बी पार्ट करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का ही सी पार्ट, डी पार्ट, जो भी पार्ट है उनको एक साथ रखिए। अगर आपने ऐसा किया कि आपने क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट कर लिया, उसके बाद जाकर के आपने वापस से क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसका ए पार्ट कर लिया, तो अननेसेसरी में यहाँ पे बहुत ट्रबल क्रिएट होती है कॉपी चेकर के लिए भी, यार एक क्वेश्चन इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और उससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कोई भी पहला उठाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है, लेकिन जो भी क्वेश्चन उठाए उसके सारे पार्ट को एक साथ करिए। अगर कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो वहां पे आप एक बार प्लेस को छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, पर बाद में भी अगर उसका आंसर नहीं लिख रहे हो तो जो प्लेस आपने खाली छोड़ा वहां पे नोट डाल दो, पीटीओ लिख दो, आपके भी आगे और भी पेपर है आपको चेक हो जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाकी का पेपर आपका अनचेक रह जाए, तो पीटीओ आप वहां पे डाल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा कि भी आगे रिमेनिंग पेपर है। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन और बड़ा आता है कि सर सब्जेक्टिव पहले करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हो 70 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पेपर रहेगा और 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज रहेंगे, तो सर पहले कौन सा करना चाहिए, सर एमसीक्यू करें या सब्जेक्टिव करें? बच्चे लोगों, ये भी इट्स अप टू यू, आप पर डिपेंड करेगा, है ना। कई लोगों को लगता है कि एमसीक्यू पहले करना ज्यादा ठीक रहता है कि यार फटाफट करके एमसीक्यू रख दिए साइड में, क्योंकि एक बार सब्जेक्टिव करने के बाद शायद एमसीक्यू करने का टाइम नहीं मिले, है ना। कई लोग को लगता है नहीं सर, एमसीक्यू थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, अगर उनमें उलझ गए, केस पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा सब्जेक्टिव हाथ से निकल जाएगा, तो पहले सब्जेक्टिव कर लेते हैं और लास्ट टाइम के अंदर जो टाइम बचता है उसमें हम एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे, तो फटाफट हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रेटेजी प्योरली आपका रहेगा, जैसा आप करना चाहें इसके अंदर आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको डिसाइड करना है, लेकिन जो भी करें बहुत प्रॉपर तरीके से इसको करना है। चलिए, नेक्स्ट आता है, बहुत कॉमन सी बात है, आईसीए भी कहता है कि जो भी आंसर्स आप लिखे हैं उसको, नए क्वेश्चन को आप लोग हमेशा
फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे तो मार्किंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है ना, तो मिक्स अगर कहीं हो गया तो अननेसेसरी मार्क्स कटेंगे। तो बेटर है कि हर एक नया क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के आपने सारे पार्ट कर लिए, क्वेश्चन सेकंड को नए फ्रेश स्टार्ट से चालू करिए, फ्रेश पेज से। तो बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं ये, लेकिन मार्क्स आपको ये दिला देंगे जो हमारी इतनी तैयारी होने के बाद भी कहां कहां पे छोटी छोटी गलतियों से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, वो सब आपको यह बताने वाला हूं ताकि आप उनको रेक्टिफाई कर लो और हमारे मार्क्स जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाए। चलिए, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर लॉ के पेपर में सेक्शंस को लिखना जरूरी होता है क्या? तो इट मे काइंडली बी नोटेड दैट सेक्शन आर गिवन फॉर नॉलेज पर्पस, है ना, और एट प्रेजेंट खास करके फाउंडेशन और इंटर लेवल के ऊपर सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि आपको एक हैबिट क्रिएट हो सके। देखो लॉ बगैर सेक्शन वैसे कुछ है नहीं, है ना, सेक्शंस के बगैर तो मजा ही नहीं है लॉ पढ़ने का, लेकिन ठीक है फाउंडेशन और इंटर लेवल पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल में आप कोशिश करेंगे आप सेक्शंस को जरूर लिखें। इंक्लूजन ऑफ सेक्शन कैन मेक योर आंसर इफेक्टिव। कई बार होता है ना कि वो इंप्रेशन वाली चीज होती है, तो एक कॉपी से अगर एक इंप्रेशन बनता है और कहीं आपके मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो रहे हो तो उसको थोड़ा रहता है कि यार इस बच्चे ने अच्छे सेक्शंस बाकियों में लिखे हैं, तो थोड़ा इसको लिबरल होकर के शायद नंबर कुछ कहीं पे लग रहे हो तो मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दो में सेक्शन लिखोगे और बाकी पूरे आंसर रॉन्ग कर दिए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पर एक थोड़ा सा ह्यूमन नेचर का पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसका बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने आप लोगों के साथ में एक सर्टिफाइड कॉपी शेयर किया था जिसमें एक भी सेक्शन नहीं लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी 70 से ऊपर मार्क्स जो है वो आए हैं। तो इसीलिए सेक्शंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कंपैरिजन की। अगर आप रॉन्ग आंसर लिखते हैं, मतलब रॉन्ग सेक्शन लिखते हैं, इससे बेटर है कि आपको सेक्शन लिखना ही नहीं चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे बराबर। तो अगर आपको याद है 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही सेक्शंस को लिखोगे, अदरवाइज सेक्शन लिखना उतना जरूरी नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन आता है कि सर आंसर लिखते वक्त क्या हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं क्या? सर हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए, हमने चार्ट बनाए, तो हम आंसर को चार्ट फॉर्म में दे दे क्या? लिख सकते हो, बट सपोर्टिंग ऑफ योर आंसर आप कर सकते हो। हमेशा याद रखो डिटेल आंसर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में टाइम है और आप पूरा आंसर लिखने के बाद उसको शॉर्ट में समराइज फॉर्म में समझाने के लिए कोई चार्ट वार्ट बना रहे हो, हालांकि ऐसा कोई शायद ही करेगा बराबर से, तो ओके चल जाएगा हमको। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन समझाने के लिए आपने कोई छोटा सा चार्ट बना दिया तो हमको चल जाएगा, लेकिन मेन आंसर ही अगर आप चार्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, लैंग्वेज क्योंकि लॉ है, ये लैंग्वेज का पेपर है आपका, तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। सर क्या स्टडी मैट का या कंपनीज एक्ट का एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखना जरूरी है क्या? जी नहीं, ICA भी कहता है, हाँ हम लोग ICA का सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं या उनके MTPs के आंसर देखते हैं तो घबरा जाते हैं, और सर इतने इतने आंसर्स हैं उनके, तो लेकिन बच्चे लोगों आपके साथ मैंने सर्टिफाइड कॉपीज शेयर की है, उसमें आप देखोगे कि कई सारे आंसर्स में, कई सारे का मैक्सिमम आंसर्स में हमारा और ICA के आंसर में लैंग्वेज वाइज बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन कंटेंट सारा हमारा और उनका सेम होता है, इसीलिए एग्जैक्ट उनका लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है बराबर। You can use your own language in presentation of your answer. आप अपना language use करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन content वो सारा आ जाना चाहिए जो उस answer का होता है, ठीक है? जैसे next point के अंदर ही मैंने आपको बताया है कि keywords use करना सीखो, जैसे audit में करते हो ना, इधर भी keywords है। Sir, keywords क्या हो गए? Answer आपके language का बने लेकिन keyword use करो। जैसे private company का हमारा definition है section number 2 clause 68 में। अब तीन चीजें उसमें बहुत important है, सबको पता है कि सर प्राइवेट कंपनी के नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स या सिक्योरिटीज। सेकंड नंबर, मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 200, सबको पता है एक्सेप्ट ओबीसी हो गया। और मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैनॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स फ्रीली। ये आप लोग पढ़ते हो, ये लैंग्वेज मैंने अभी बोली, मेरी लैंग्वेज को फोकस कर रहा। अब यही लैंग्वेज हमने याद भी कर लिया और हमने एग्जाम में भी लिख ली, उसके कंपेरिजन में ज्यादा बढ़िया है बच्चे लोगों वहां पे आप अपनी लैंग्वेज बनाओ। लेकिन तीन वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है रेस्ट्रिक्ट, एक वर्ड है लिमिट और एक वर्ड है प्रोहिबिट, दीज आर कीवर्ड्स। तो मैंने अभी जो लैंग्वेज बोला उसमें मैंने इन तीनों का कहीं यूज नहीं किया, मीनिंग वही निकल के आ रहा है, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे अगर आप इन तीनों वर्ड्स का यूज करें, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। तो मैंने बोला, जैसे एक पॉइंट मैंने बोला कि मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैनॉट ट्रांसफर सिक्योरिटीज टू एनी अदर पर्सन फ्रीली, बिल्कुल सही है। उसकी जगह पे देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर, ये अगर आप लिख देते हैं
लॉ का लैंग्वेज नहीं लिखा मैंने, लेकिन रेस्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर लिया, तो क्योंकि कॉपी चेकर के पास तो वर्ड्स रहेंगे क्या, क्योंकि आंसर वो रहेगा जो स्टडी मैट में है या जो लॉ में है, तो जैसे आपका रेस्ट्रिक्ट वाला वर्ड उसको मिल गया वो मार्क्स देना उसके लिए इजी हो जाएगा, है ना। मैंने बोला मैक्सिमम मेंबर आर 200, उसकी जगह आपने लिख दिया लिमिट ऑन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर इज 200, तो लिमिट वर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कैनॉट इशू या कैनॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, उसकी जगह देयर इज प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन मेड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, सेम लाइन अपन ने बोली है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने कीवर्ड्स यूज कर लिए, भले ही मैंने एक्ट का लैंग्वेज नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है कि इस डेफिनेशन के अंदर भैया ये तीन कीवर्ड है, इनको यूज कर लूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको भी ये करना चाहिए। हाँ, जैसे मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस आप लिखते हैं, तो बहुत सिंपल वर्ड है, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब उसकी जगह पे दो वर्ड अगर हम यूज कर लें, इंक्लूजन, तो इंक्लूजन ऑफ द मिस स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट एज वेल एज ओमिशन ऑफ द मटीरियल ओमिशन ऑफ द मटीरियल इंफॉर्मेशन, तो बात तो वही बोली अपन ने, लेकिन ये जैसे ही दो कीवर्ड यूज हुए, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टडी मैट का लैंग्वेज यूज करो, अपन भी यहाँ लैंग्वेज वो यूज नहीं कर रहे हैं जो वो लिखते हैं, लेकिन ये कीवर्ड से हमारे क्या मिसस्टेटमेंट जब भी आता है, दो चीजें दिमाग में आती हैं कि आपने कुछ गलत लिख दिया, इट्स कॉल्ड इंक्लूजन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड नंबर कुछ मटेरियल पार्ट को भूल गए, तो ओमिशन ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो आपका काम हो जाएगा। ये दो वर्ड्स वहां पे दिख गए तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हर सेक्शन में ऐसा कोई ना कोई कीवर्ड जरूर होगा, तो आप लैंग्वेज भले अपना बनाएं लेकिन कीवर्ड्स को जरूर अपने आंसर में इंक्लूड करो, तो आपको जबरदस्त मार्क्स वहां पे मिलने वाला है। बराबर, क्लियर एकदम से। नाउ बच्चे लोगों, एक अक्सर आप लोगों की आदत होती है शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज कर लेते हो, भाई वो नहीं करना है अपने को, है ना। जैसे जनरल मीटिंग को तुमने जीएम लिख दिया, तो भाई जनरल मैनेजर की बात हो रही है क्या, ठीक है। तुमने स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह एसआर वहां पे लिख दिया, तो ये जो तरीके जो आदत में डाल लेते हो ना आप लोग, आरओसी तो चलो फिर भी एक बार चल जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जगह आपने लिख दिया, लेकिन ये हर जगह पे आप इतना शॉर्ट शॉर्ट कर देते हो तो उसका भी रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स बच्चे लोगों, क्लास पेपर ने खूब प्रैक्टिस किया है, हर आंसर को स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ, सेक्शन याद है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज सीधा अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जनरल प्रोसेस एक्ट, जो भी आपके कोर्स में है वो आप लिखेंगे। हर बार पहले प्रोविजन जरूर लिखिए, केस का नाम तो चलो याद रह जाए तो अच्छा, अदरवाइज प्रॉपर प्रोविजन आपको लिखना चाहिए, बहुत शॉर्ट में एक बार क्वेश्चन का एक दो लाइन लिख करके फिर आपको फाइनल कंक्लूजन अपना आंसर का देना चाहिए। तो हर बार जब भी आप केस स्टडी का क्वेश्चन करें बच्चे लोगों, ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना ही करना चाहिए कि भाई इसी पैटर्न से हम आंसर को लिख रहे हैं, ठीक है। सो और हर बार लिखना पड़ता है ये, तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के अलग मार्क्स हैं, तो अकॉर्डिंग सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नहीं याद है तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फिर आप अपना प्रोविजन समझाइए वहां पे साथ में, उसके बाद शॉर्ट में क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दीजिए और फिर अपना कंक्लूसिव आंसर अलग पैराग्राफ में डालिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला, लॉ में भी स्टेप्स के मार्क्स से बचे लोगों, स्टेप के मार्क्स हैं, है ना। कई बार होता है कि जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं प्रोविजन के और 2 नंबर फाइनल आंसर के, या कई बार 3 मार्क प्रोविजन के और 1 नंबर फाइनल आंसर का, तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ में अगर डालोगे तो बहुत आराम से नंबर का डिवीजन, इवन आपके साथ जब कॉपी में शेयर भी करता हूं तो आपने उसमें भी देखा होगा कि हर क्वेश्चन के पार्टली मार्क्स हैं 2, 2 और 2, देन उसके बाद टोटल मार्क्स वहां पे दिए हुए हैं, तो इस वजह से आपको मैं लगातार कह रहा हूं कि भाई यहां पे भी अकाउंट्स वगैरह की तरह स्टेप में मार्क्स हैं, तो बहुत प्रॉपर तरीके से स्टेप में ही अपने आंसर को वहां पे लिखिए। बराबर, अब बच्चे लोगों चलते चलते एग्जामिनेशन हॉल के कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले फटाफट से रिकॉल कर लो, मैंने आपको क्या बोला कि कॉपी आपका नीट और थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स हो जो दिखाई दे जाएं, प्रॉपर तरीके से विजिबल होने चाहिए, सीक्वेंस अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ करने का है, सब्जेक्टिव एमसीक्यू आपका चॉइस है, जो आपको बढ़िया लगता है, जिसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा है वो करिए, हर आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, सेक्शन याद हो तो लिखो नहीं तो नहीं लिखना है, चार्ट में नहीं लिखना है, हाँ अगर सपोर्टिव में लिखना चाह रहे हो तो ओके, लैंग्वेज आप अपना बनाइए लेकिन कीवर्ड्स को जरूर यूज कीजिए और शॉर्ट फॉर्म्स आप लोगों को यूज नहीं करना है। बराबर, अब बच्चे लोगों पूरे अपने एफर्ट्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, पेपर में सब याद आ जाएगा, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, अगर लगता है कि कहीं पे भूल गए हो, है ना, तो बहुत आराम से बैठो, आंख बंद करो, एक अच्छा सा ब्रेथ लो, सांस लो डीप और कोशिश करो याद करने की, तो आपने अगर पढ़ रखा है तो मैं श्योर हूं कि आपको आंसर याद आ जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना भाई, हमारे लॉ के पेपर में कई लोगों का कंप्लेन रहता है, फाउंडेशन के टाइम से भी, फिर इंटर के अंदर भी, कई बार फाइनल में आके भी, सर पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, सर ये क्वेश्चन छूट गया, 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 20 मार्क्स तक का, वो गलती नहीं करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, कोशिश करिए पूरा पेपर करो, छोड़ के मत आओ, है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा, लेकिन अगर वहां कहीं पे सही हो गया, कई बार तुक्के में भी सही हो जाता है, या कुछ सही लिख दिया और मार्क्स मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, तो पूरा पेपर करिए। फिर बच्चे लोगों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई बार ये गलती खास करके फाउंडेशन वाले ज्यादा करते हैं, इंटर फाइनल वाले तो समझ चुके होते हैं, लेकिन फाउंडेशन वाले गलती कर देते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाता है। डोंट राइट, है ना, आपको नहीं लिखना है, डोंट राइट एनी सिंबल, कोई भी आपने रिलीजियस टाइप का सिंबल जो हमारी आदत में होता है और कोई सिंबल आपने कॉपी में लिख दिया, वो नहीं लिखना है अपने पूरे आंसर शीट में किधर भी, अदरवाइज यहां पे अनफेयर मींस का मैटर हो जाएगा बच्चे लोगों। और अनफेयर मींस का मतलब हो गया कि आपका रिजल्ट एक बार रोक दिया जाएगा वहां पे, आपका रिजल्ट बाकी सबके साथ में नहीं आएगा, और काफी टाइम बाद फिर आपकी मीटिंग्स होगी, आपको कॉल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, पूछेंगे आपने क्यों किया, और अगर उनको लगता है कि हाँ भाई आप लोगों से नेग्लिजेंसी में मिस्टेक हो गया है, तो फिर वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे, भगवान को ऐसे मन में याद कर लो जिनको भी याद करना हो, ठीक है, लेकिन वहां अपने को शीट के ऊपर एंसर्स के अलावा कुछ भी नहीं लिख रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, क्योंकि फाउंडेशन के बहुत स्टूडेंट के साथ में ये केसेस हो जाते हैं। इंटर वालों, फाइनल वालों के साथ तो चलो बहुत समझ चुके होते हैं, इंटर वालों के साथ भी कम होते हैं, हाईएस्ट फाउंडेशन वालों के साथ ये मैटर रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में इसको रखने वाले हैं, ठीक है, बराबर। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो आज खास आपके लिए था कि आपको पेपर लॉ का कैसे अटेम्प्ट करना है, तो श्योरली आप लोगों की हेल्प करेगा। और भी कोई फ्रेंड्स आपके जिनको लगता है कि पेपर करने में दिक्कत है, उनके साथ शेयर करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।